हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक अपन पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 1.4। आज पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.4 में क्या पढ़ा था अपने? रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई पढ़ा था, ठीक है, और कुछ वेरीफाई करना सीखा था। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे अपन? रेशनल नंबर का डिवाइड कैसे होता है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें। कैसे? इसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में लिखा है 5/13 डिवाइडेड बाय 10/39। तो 5/13 तो एक्चुअली कितना है, और डिवाइड को चेंज कर देंगे अपन मल्टीप्लाई में। कैसे मल्टीप्लाई में? अगर इसको अपन जैसे ही मल्टीप्लाई लगाएंगे तो पीछे वाला जो डिजिट है इसको उल्टा कर दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 39/10। करना डिवाइडेड, लेकिन करेंगे क्या अपन? मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? पीछे वाला जो भी नंबर रहेगा उसको उल्टा कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह। अब इसके बाद तो जैसा आपने पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था वैसे करना है। क्या करना है? जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 + 5, 5 + 10 क्या हो गया? 1/13 हो गया, मल्टीप्लाई 39/2 हो गया। अब 13 और 39 दिख रहा आपको कि एक ही टेबल में आते हैं। 13 टेबल में 13 + 13, 13 + 13, 39। तो अपने पास यहाँ 1/1 बचा और यहाँ 3/2 हो जाए, ठीक है। तो 3 + 3, 2 + 2, आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 यह आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला, ये सारे डिवाइड ऐसे ही हैं, फिर भी मैं थर्ड बार बोला था आपको सुन सा ना। थर्ड वाले क्या है? 8:2/3, 8:2/3 डिवाइडेड बाय 13/3, ठीक है। 8:2 क्या है? 2/3 डिवाइडेड बाय 13/3। यहाँ सबसे पहले तो किसको सॉल्व करेंगे अपन? जो मिक्स फ्रैक्शन वाला है उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 × 24 +2 कितने होंगे? 26। तो 26 डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 13/3, कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी। चलो अगली लाइन क्या करेंगे? इस डिवाइड को अपन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे चेंज करते हैं? 26/3 तो ऐसी चीज मल्टीप्लाई यहां लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा 3/13 आया। हमेशा ऐसे ही करना, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, पीछे वाले को उल्टा करेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3, ठीक है। और 13 से 26 भी कैंसिल हो जाएगा, 13 × 13, 13 × 26। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? देखो 2 × 2 ऊपर के टेबल और 1 × 1, तो आंसर केवल 2 आया। तो समझ इस टाइप से आप लोगों को 1.1 का फर्स्ट वाला पूरा करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं? बाय व्हाट नंबर शुड -4/35 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 8/1, ठीक है। बाय व्हाट नंबर, ठीक है, शुड -4/35 बी मल्टीप्लाई, मतलब -4/35 के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि अपने को 8/105 मिले, ठीक है। तो उसको x मान लें, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो कि -4/35 में किसका मल्टीप्लाई है? तो -4/30 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू गेट, क्या गेट हो रहा है मेरे को? 8/105, ठीक है। अब क्या करना है? करेक्ट, इधर -4/3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये पूरा जो है उसके उधर जाएगा, तो ऐड में जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ सीधा सा तरीका ये याद रखना कि जो अपॉन में होता है वो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर रहेगा वो जाएगा डिवाइड में, ठीक है।
तो यहां ऐसे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 और नीचे क्या हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाय 3। पूछा है क्या किया मैंने, 3 को पहुंचाया उधर, ठीक है सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3 को ऊपर लिखना था, उधर लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है 3 नीचे है देखा जाएगा 8 के साथ और 4 ऊपर ही देखा जाएगा नीचे, ठीक है जो डिजिट नीचे है वो जाएगी ऊपर और जो ऊपर है वो जाएगी अपॉन में x से ऊपर। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 की टेबल से 8 कैंसिल हो रहा है, 4 वन सा 4 4 टू सा 8, फिर 3 की टेबल से 8 कैंसिल होता है शायद, 3 वन सा 3 या 3 3 सा 9 और 3 5 सा 15, तो आंसर क्या बनेगा 2 वन सा 2 अपॉन में कितना 35 वन सा 35 यानी माइनस का माइनस के 35, ये आंसर कैंसिल तो हो नहीं रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड 5 बाय 7 बी डिवाइड टू गेट माइनस 15 बाय 56। अब क्या बोला उसने, थर्ड क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड 5 बाय 7 बी डिवाइडेड, ठीक है मतलब 5 बाय 7 से किसको डिवाइड करें कि अब देखो क्या मिले माइनस 15 बाय 56, ठीक है चलो तो इसके जैसा एग्जांपल 6 भी है, मैं ये करवाता हूँ एग्जांपल 6 आपको करते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले लेट द नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है क्या बोला उसने, बाय व्हाट नंबर 5 बाय 7 बी डिवाइडेड मतलब 5 बाय 7 से इसको डिवाइड, 5 बाय 7 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 15 बाय 56 माइनस 15 बाय 56, ठीक है तो इधर अपने पास क्या है 5 बाय 7 जो है वो डिवाइडेड है, इसे उल्टा लिख दिया हमने, एक्स डिवाइडेड बाय 5 बाय 7 भी डिवाइडेड कर दो, ठीक है तो 5 बाय 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ ये डिवाइड में है तो ये उसके एज इट इज जाएगा 56, एज इट इज मल्टीप्लाई में 5 बाय 7 हो जाएगा, क्या हो इधर ये डिवाइड में है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या था यहाँ मल्टीप्लाई में था इसलिए अपने इसको ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि ये क्या है डिवाइड में, उधर जाएगा एज इट इज मल्टीप्लाई में, गलती हो रही है क्या हो रही है कुछ तो नीचे हो रही है, ठीक है मतलब 5 बाय 7 डिवाइडेड बाय x, ठीक है ऐसा ही होगा, अब x से इधर डिवाइड में है तो इसको अपन उधर को भेज सकते हैं, ठीक है और वो डिजिट इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, तो 5 बाय 7 इक्वल माइनस 15 बाय 56 मल्टीप्लाइड बाय x, डिवाइड में कौन था x था तो x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अब इन दोनों को ये वाली पोजीशन आ गई ये वाली पोजीशन, ये मल्टीप्लाई में थे ना 4 बाय 3 तो उधर लगेगा तो क्या हो गया 3 ऊपर चला गया 4 नीचे, यहाँ
56 ऊपर जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 इक्वल क्या है x आएगा समझ में।